टू आवर चैनल इज मैथमेटिक्स फॉर यू। आज की क्लास में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड बताऊंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तीन मेथड बताए गए हैं, जिसमें एक है फैक्टराइजेशन, जो हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, वही हम सीखेंगे आज। थोड़ा सा देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो ये भी बहुत आसान है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए है यहाँ पर, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है 5x² तो x का तो स्क्वायर है यहाँ पर, लेकिन 5 का नहीं है। 5 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ तो 5 को मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो 25 आ जाता है, एंड वी नो दैट 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन सिर्फ एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन थ्रू आउट बाय 5, वी गेट 25x² माइनस 5 6 30, 30x हो जाएगा, देन 5 2 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ हमने क्या किया, ये जो हमें स्क्वायर हमने यहाँ कंप्लीट किया 5 का, तो इसे मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, 5x का होल स्क्वायर करके, 5 5 25, और x² वही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन में। आगे देखिए मिडिल टर्म को मैं किस तरह से लिख रही हूँ, माइनस 2 5x 3, 2 5 10 और 10 3 30, तो -30x आ गया। सिर्फ हमने थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है, और वो मैनिपुलेशन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने अप्लाई करने की कोशिश की है, जो कि मैं आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में सिखा चुकी हूँ। ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप वहाँ से अगर देखें तो देखिए इसी फॉर्म में आ रहे हैं कुछ, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए मान लीजिए यहाँ 5x है और b 3 है, लास्ट टर्म क्या आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर आना चाहिए, मैंने वही लिख दिया। अब देखें 3 का स्क्वायर क्या बनता है, यहाँ पर 9। अब 9 वहाँ पर कोई लास्ट टर्म में क्या नहीं है, वहाँ लास्ट टर्म में क्या है, माइनस 10, तो प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा आ गया। तो क्योंकि मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन को बदल नहीं सकती हूँ, तो मैंने -3 का भी स्क्वायर लगा दिया, और फिर वहाँ का जो -10 था वो मैंने एज इट इज लिख के इक्वल टू 0 कर दिया। बस यहीं पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन हुई है इसी स्टेप में, उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे कि देखिए, a माइनस बी का मैंने होल स्क्वायर कर दिया इतने पोर्शन को, 5x² माइनस 2 5x 3 प्लस 3 का स्क्वायर, इतने पोर्शन को मैंने लिख दिया 5x माइनस 3 का स्क्वायर आइडेंटिटी से कंपेयर करते हुए। बाकी वहाँ क्या बचता है, 3 3 9 और -10, -9 और -10 आपका हो गया -19 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखें, मुझे यहाँ से क्या करना है, 19 को नेगेटिव था वैल्यू ट्रांसपोज कर दी, +19 हो गया इक्वल टू के राइट साइड पे चला गया 19। आगे आप देखें यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसे सॉल्व करने का बड़ा आसान मेथड है, जहाँ कहीं भी इस तरह स्क्वायर लगा हो और आपने हटाना है तो दूसरी साइड पर आप क्या ले लो, स्क्वायर रूट। तो 19 के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमेशा प्लस माइनस दोनों साइन एक साथ लगाएंगे आप। वो दोनों साइन भी एक साथ इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो वो जो दो नंबर है हमारे पास, वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस दो साइन एक साथ लगाते हैं। तो यहाँ से अब देखिए 5x के पास, क्योंकि मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्या है, -3, वो भी हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो वो बन जाता है +3। तो फाइनल आपके पास वैल्यू आती है 3 प्लस माइनस √19। अब आप फाइनली अपना आंसर लिखने के लिए, जो कि आपको x की वैल्यू लिखनी होती है, वहाँ क्या करेंगे, एक बार √19 और 3 के साथ प्लस का साइन लगा देंगे और एक बार माइनस का, और एक देखिए x के साथ ना 5 भी रह गया है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो x की फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी 3 प्लस √19 अपॉन 5,
और दूसरी वैल्यू मिलेगी 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा, बहुत आसान करके मैंने बताया है। आप इसके दो चार क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।